हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेकिन एक दो दिन से मैं श्योर हूँ थोड़े परेशान होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भाई बहन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस या ऑफशोर एक्सचेंजेस जिनको हम कहते हैं उस पे ट्रेड करते हैं। और वो उसके दो तीन रीज़न है। एक तो ये है कि वहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो लिक्विडिटी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिल जाती है, बहुत सारे कॉइन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो कई लोग, जैसे 1% TDS का झंझट ना हो, 30% प्रॉफिट पे टैक्स का झंझट ना हो, तो उसके लिए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल अगर हम बात करते हैं, एक दो दिन पहले हमारी जो गवर्नमेंट है, या आप कह लीजिए जो गवर्नमेंट की एक यूनिट है, FUI या FIU, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और उसके अंदर दो चीजें बोली कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो यहाँ पे कंप्लायंट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो इलीगली यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनके URL को ब्लॉक करने की बात की है। तो यहाँ पर आज मेरे पास में एक बहुत खास मेहमान है, राहुल गुप्ता जी, CA राहुल गुप्ता जी, और इन्होंने पहले भी हमारी बहुत सारी मदद करी है, तो इनसे दो चार सवाल हम पूछेंगे। एक तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे हमें होल्ड कर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अगर दूसरे कई एक्सचेंजेस हैं जिनका नाम नहीं है, क्या उन पे ट्रांसफर कर ले, इंडियन एक्सचेंजेस पे करे, या यहीं पे क्रिप्टो करेंसी रहने दें, या हमारे जो हार्डवेयर वॉलेट हैं या ऑनलाइन वॉलेट हैं उसमें ट्रांसफर कर ले? तो बहुत सारे क्वाइंस हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ में आप हमारे जो CA राहुल गुप्ता जी हैं उनका स्वागत कीजिए और लाइक जरूर करिएगा। राहुल गुप्ता जी, कैसे हो सर? बहुत अच्छे पंकज जी, आप बताइए कैसे हैं। बढ़िया सर, ये क्या बम फोड़वा दिया आपने, अब क्या होगा, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले राहुल जी, बस मुझे यही समझाइएगा कि ये जो यूनिट है जिसने ये सर्कुलर जारी किया है, जिसको हम कहते हैं FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, या कौन, क्या एजेंसी है, सबसे पहले ये समझाइएगा। और जो इन ये सर्कुलर है, आप क्या समझते हो और क्या करना चाहिए, आप ये बताइएगा। देखिए, जो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। ये डाटा कलेक्ट करती है मार्केट से और गवर्नमेंट को अपडेट करती है कि कहाँ कहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है या टैक्स ढंग से नहीं आ रहा है, या गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि और बेटर हो सके। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस सर्कुलर। मैं बहुत टाइम से ये सर्कुलर का वेट कर रहा था एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि ये एक पॉजिटिव सर्कुलर है। पहली बात तो आप ये मत समझिए ये नेगेटिव सर्कुलर है। देखिए, अगर बाइनेंस को इंडिया के लोगों से पैसा कमाना है तो इंडिया की कंप्लायंस भी करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया फॉरेन एक्सचेंजेस को इंडिया की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब कोई भी बंदा अपना धंधा जाते हुए देखता है तो वो जरूर उसको कोशिश करता है कि भैया अपना रिवेन्यू मैं बचा सकूं। अगर बाइनेंस को इंडिया में अपना रिवेन्यू बचाना है या अदर एक्सचेंजेस को इंडिया के अंदर अपना रिवेन्यू बचाना है तो वो इंडिया की कंप्लायंस करेंगे। अब फर्ज कीजिए बाइनेंस ने इंडिया की कंप्लायंसेस करना शुरू कर दिया तो आपके लिए टीडीएस की सिरदर्दी खत्म। आपको टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रहेगी, सीधा बाइनेंस काटेगा सबका टीडीएस, सबकी केवाईसी बाइनेंस देखेगा। जिन दोस्तों ने टीडीएस काटना शुरू कर भी दिया था उनको भी दिक्कत हो रही थी। पंकज जी, उनको क्या दिक्कत हो रही थी मैं बताता हूं। इनकम टैक्स एक्ट का एक रूल है कि अगर सामने वाले बंदे ने 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है अपनी पिछली, तो 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता कि सामने वाले बंदे ने रिटर्न भरी नहीं भरी? यहाँ पैन कार्ड लेना मुश्किल हो रहा था, आप रिटर्न तो ले ही नहीं पाओगे उस बंदे की। तो 1% काटते थे, 4% का नोटिस हाथ में आ जाता था। तो ये चीज को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं ये बहुत ही बढ़िया सर्कुलर है। सर, ये तो इंडियन एक्सचेंजेस पे भी हो रहा होगा ये वाला सीन, अगर 2 साल से कोई है। इंडियन एक्सचेंजेस पे तो इंडियन एक्सचेंज संभालेगा ना, आपकी अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। आपका तो 1% टीडीएस कट गया, आपका तो काम खत्म। 5% कटना है तो जिसको पेमेंट करनी है वो 5% उसकी काट के करेगा या उसके पैसे होल्ड कर लेगा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है ना। वो एक्सचेंज के पास पैसा जाएगा। आप अगर कुछ भी अगर सेल कर रहे हो तो पहले एक्सचेंज के पास पैसा जाएगा, फिर एक्सचेंज उसको देगा, एक्सचेंज 5% रिटेन कर लेगा उसका, तो ये एक्सचेंज को जो कोई नुकसान नहीं होता। वेरी ट्रू, तो ये जो FIU का जो सर्कुलर है, इसके अंदर बड़े बड़े एक्सचेंजेस का नाम लिया गया और दो मेन पॉइंट हैं जिस पे बात की गई कि भैया ये शो केस नोटिस क्या होता है, और शो केस नोटिस मतलब इसका क्या मतलब है, मैं समझना चाहता हूँ मैं बताता हूं, ये शो क्या। कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस, तो ये कारण बताओ।
साथ में एक पॉइंट और है कि उन्होंने जो हाँ ब्रॉडकास्ट है इन या जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है मिनिस्ट्री को या आप कह लीजिए उनको बोला है कि ये यूआरएल बंद कर दो। एक तरफ तो यूआरएल बंद कर हाँ दो और दूसरी तरफ आप नोटिस की बात कह रहे हो, तो ये मैं दोनों आपको बताता हूँ, कैसे होंगी? क्या ये मैं आपको का अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा एक ड्यूरेशन के बाद में तब ये ब्लॉक करेंगे, या भैया पहले ब्लॉक कर देंगे फिर आप नोटिस का जो है आप हमें कंप्लायंस करो और उसके बाद हम आपके यूआरएल खोलेंगे, ऐसा होगा या ये यूआरएल सब बंद हो जाएंगे, वेबसाइट बंद हो जाएंगी, चलता रहेगा ये मैटर? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। आप हमें कारण बताओ कि आपके एक्सचेंज को इंडिया से बंद क्यों ना कर दिया जाए, आपके यूआरएल को ब्लॉक क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि आप इंडिया की मार्केट में पैसा कमा रहे हो और इंडिया की कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हो। या तो आप कंप्लायंस करोगे या नहीं करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो लेकिन अब बाइनेंस को लिख के ही देना पड़ेगा कि हम कंप्लायंस करते हैं जी, अब से करते हैं, इस डेट से करते हैं। फिर गवर्नमेंट कहेगी नहीं, आप 1 अप्रैल से करो, या आज की डेट से गवर्नमेंट एक्टिवेट कर देगी। जिन दोस्तों ने अभी भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, तो दोस्तों आपके पास 3 ही दिन बचे हैं, 29, 30, 31। इसके बाद आपको बहुत मोटी पेनल्टीज के साथ रिटर्न भरनी पड़ेगी 31 मार्च 2023 की। तो अब कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, बाइनेंस इंडिया के अंदर अगर ऑपरेशन स्टार्ट करता है, करना चाहता है, तो उसको इंडिया की कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेंगी जो आज के टाइम पे एक आम आदमी को करनी पड़ रही थी। यहाँ पे एक पॉइंट आप मिस कर रहे हो या शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं। यहाँ पे दो बताइए। टॉप के पॉइंट्स हैं आप देखोगे। पहला है कि इशू शो कॉज नोटिस, सिंपल सा इन सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, साथ के साथ में उन्होंने लिखा है एफआईयू इंडिया ने राइट लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ब्लॉक यूआरएल्स, यानी कि उन्होंने लिख के दे दिया है कि भैया इनके यूआरएल को ब्लॉक कर दो, ये नो एक्सचेंजेस के। तो एक मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या शो कॉज नोटिस का टाइम दिया जाएगा उसके बाद ब्लॉक किए जाएंगे, या भैया ये ब्लॉक कर दिया और बाद में प्रोसेस चलता रहेगा? क्योंकि डर तो यही है ना कि देखिए, रहेंगे तो हमारे फंड्स का क्या होगा। आइडियली दोनों चीजें हो सकती हैं सर। वो इमीडिएटली ब्लॉक भी कर सकते हैं कि जब तक आप शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दोगे तब तक के लिए हम ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लग सकता है कि भैया ये जवाब देंगे ही नहीं। या ऑल्टरनेटिवली गवर्नमेंट अभी कुछ टाइम दे भी सकती है, तो इन द मीन टाइम अगर आपके कुछ पैसे पड़े हैं, आप उसको इंडियन एक्सचेंजेस पे शिफ्ट कर सकते हैं अगर, तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसको इंडियन एक्सचेंजेस पे एक बार के लिए शिफ्ट कर लीजिए। यहां पर कहने का मतलब है कि ये चीज हो सकता है टाइम दे, या टाइम देना होता तो ये इमीडिएटली ना लिखा होता कि भैया हमने ब्लॉक कर हाँ, उसको कुछ टाइम दिया जाता, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है बाइनेंस को जो नोटिस दिया हो, पर्सनल जो बाइनेंस के पास गया हो फाइनेंस सकता है उसके अंदर या उनको। अब यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है, बहुत सारे लोग यही चीज हमसे पूछ रहे हैं कि कई एक्सचेंजेस का नाम नहीं है और वो टॉप के एक्सचेंजेस हैं, जैसे बिट गेट की बात करता हूँ, बायबिट की बात करता हूँ, ओकेएक्स की बात करता हूँ, तो क्या टेम्परेरी वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है? आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला तो जैसे कि जिन एक्सचेंजेस का नाम नहीं है जैसे बिट गेट की बात करते हैं, तो अगर आपको लगता है टेम्परेरी वो लिस्ट में नहीं है तो वहां पे आप अपना फंड्स को शिफ्ट कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहां पे अकाउंट बना सकते हो। टॉप एक्सचेंजेस के अंदर अगर मैं बिट गेट की बात करता हूँ तो टॉप एक्सचेंजेस के अंदर ये आता है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इजी टू यूज इंटरफेस है। तो अगर टेम्परेरी अगर आप देखते हो, अगर आपको लगता है हो सकता है इन फ्यूचर वो भी कंप्लायंस करते दिखें लेकिन अभी नाम नहीं है, और आपको लगता है मेरे को फंड्स कहीं और शिफ्ट करने हैं जिन पे नाम नहीं है, तो वहां पे किया जा सकता है। और वहां पे केवाईसी भी बहुत ईजी है, ईजिली कर सकते हो, उनके ऐप भी है फुली फंक्शनल है, और अगर मैं बात करता हूँ वहां पर ब्रांड एम्बेसडर की, लियोनी मेसी एक बड़ा फुटबॉलर है, और 600 से ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है, इजी टू यूज है, अगर मैं बात करता हूँ $10 बिलियन से वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली का है, 20 मिलियन यूजर्स हैं, तो अच्छा खासा वहां पे आपको ऑप्शन एक्सपोजर मिल सकता है। और यहाँ पे लियोनी मेसी जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप साइन अप कर सकते हो और वहां आप अपना एक बार देखना जरूर,
करके कैसा लगता है, और केवाईसी भी बहुत इजी टू यूज है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी और ज्यादा डिटेल में आप हमें बोलोगे उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर और डिटेल में क्या ऑप्शन है, कैसे ट्रेड किया जा सकता है, कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी बताएंगे। या आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, या बाय कर सकते हो, या ऑनलाइन वॉलेट के अंदर भी जा सकते हो। लेकिन एक सवाल जो मेरा निकल के आता है राहुल जी, इंडियन एक्सचेंजेस देखिए, पे अगर फंड ले जाते हैं तो क्या ये सेफ रहेगा ऑप्शन? क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पे सीधा ले जाएंगे तो क्या ये जो टैक्स का चक्कर है, 30% टैक्स एकदम से क्या कैलकुलेट होगा, या 1% टीडीएस जब करेंगे वो भी कटेगा कि नहीं कटेगा? बट क्योंकि सो लोग लॉन्ग एज इंडियन एक्सचेंजेस पे आप ले जाएंगे तो वहां पे हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है? तो देखिए, आइडियली आप ऑलरेडी, मैं ये मान के चल रहा हूं, अपने टैक्सेशन ऑनेस्टली आप ऑनर कर रहे हो और अपने टैक्सेस ऑनेस्टली पे कर रहे हो। तो अगर आपके पास बाइनेंस पे भी कुछ कॉइन्स पड़े हैं, आप उसको इंडियन कॉइन्स पे शिफ्ट करते हो, इंडियन एक्सचेंज पे शिफ्ट करते हो, तो इट इज जस्ट अ वॉलेट ट्रांसफर। आपके वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप एक बात बताइए, अगर आपका पैसा कैश पड़ा है, आपने कुछ सेल किया, आपके पास कैश आया, वो आपने बैंक में जमा कर दिया, तो क्या उसके ऊपर कोई टैक्स थोड़ी लग जाएगा? वो तो सेल करते हुए ही टैक्स लग गया आपका। अब आप ए बैंक से बी बैंक में ट्रांसफर करो, बी से सी बैंक में ट्रांसफर करो, तो अपने ही वॉलेट में, अगर आप एक्सचेंजेस में, अलग अलग एक्सचेंजेस में वॉलेट में अपने ही नाम से चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कई लोग जो है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे गए इसलिए थे कि उन्हें इंडियन एक्सचेंजेस या टैक्स का जो छुपके करना था चीजें, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये चीजों को करना। अब यानी कि देखना देखिए, पड़ेगा। और जो 31 जो नाम है जिनके अंदर बड़े एक्सचेंजेस सारे लिस्टेड हैं, तो जो वहां पे कंप्लायंट हैं FIU के साथ में, तो मैं बात करता हूँ वहां पर, वहां ले जाएंगे तो रिकॉर्ड सीधा का सीधा उनके पास चला जाएगा जो एक्चुअल में गवर्नमेंट चाहती है। तो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक, क्या उनको ये करना चाहिए? एक सही तरीका तो यही है कि आप अगर नहीं देखिए, आपके वॉलेट के अंदर भी है तो गोइंग आप फॉरवर्ड तो आपको बताइए, टैक्स, ITR में बताइए अगर आप कहीं पे भी रखते हो, क्योंकि अगर कल को चीजें निकल के आएंगी तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। व्हाट डू यू थिंक? सर देखिए, आइडियली टैक्सेस तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आप जितना डिले कर रहे हो, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक वो फ्यूचर में होने वाला है। अगर आप 31 मार्च 23 का टैक्सेस अब नहीं पे कर रहे हो, तो बाद में अगर नोटिस आता है, तो इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ बहुत अच्छा अमाउंट हो जाएगा, और डबल ट्रिपल भी हो सकता है। अगर टैक्स 100 रुपये बनता था, तो हो सकता है आपको 300 रुपये देना पड़े। तो आइडियली आपको टैक्सेस देने चाहिए थे। अब अगर आपको गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट देखो धीरे धीरे करके स्टिकनेस तो बढ़ा ही रही है, और गोइंग फॉरवर्ड और ज्यादा बढ़ाएगी, तो अगर आप 3 4 साल बाद पकड़े गए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट सभी दोस्तों से ये है कि अपने टैक्सेस आप जमा कराइए। और एक गलती को छुपाने के लिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, देखो और गलती मत करो। एक बिल्कुल अगर सही, आपके पास कुछ पड़ा है और आप उसको अभी यूज नहीं कर पा रहे हो किसी भी तरीके से, आप उसको हार्डकोर वॉलेट में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन आगे आप टैक्सेस दीजिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मान लो इंडियन एक्सचेंजेस पे लोगों को कॉन्फिडेंस आज भी नहीं है, अगर मैं बात करूं तो इतने अप टू डेट नहीं है, अप टू मार्क नहीं है अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखते हैं, और लोगों को डर लगता है यार हमारा पैसा जो है कहीं, जैसे होता है ना कि यूज कहीं और ना कर लें, हालांकि कंप्लायंट है लेकिन कॉन्फिडेंस आते आते आता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद भी होते देखे हैं हमने इंडिया के अंदर और हैक, तो लोगों को डर लगता है हमारी क्रिप्टो सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ऑप्शन, क्या वो हार्डवेयर वॉलेट या अपने पर्सनल वॉलेट में रखे, आप ये कहना चाह रहे हो वहां रखे, यहां पर अपना होल्ड करके रखेंगे? लेकिन आप ये कह रहे हो कि एक तो होल्ड कर रहे हो, एक अलग चीज है, आप उसको भी कंप्लाइंट कीजिए, ITR के अंदर अपनी मेंशन कीजिए, देर सवेर में जब बेचोगे या उसको एग्जॉस्ट आउट करोगे तो कम से कम जो भी प्रॉफिट, जो भी लाइबिलिटी बनती होगी आप बताओगे गवर्नमेंट को, तो आप कभी भी टेंशन में नहीं रहोगे। तो यहाँ पे ये यस बता रहे हो आप? यस 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 पंकज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं यही कह रहा हूं कि आइडियली आप उसको शिफ्ट कीजिए, क्योंकि अभी फॉरेन एक्सचेंजेस थोड़ा सा अनसर्टेन मोड पे आ गए हैं। वी डोंट नो कि बाइनेंस कंप्लायंस करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। आइडियली अगर मैं आपको बाइनेंस एक बात को बताऊं, मैनेज कर, बाइनेंस के जो सीईओ हैं, बाइनेंस की बात नहीं है, बहुत सारे जितने भी ज्यादातर एक्सचेंजेस जिनके नाम है, बाइनेंस के सीईओ की लास्ट स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी, उन्होंने बोला हमें कुछ जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ज्यादा, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं इंडिया या साउथ एशियन रीजन के अंदर अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है ओके कंप्लायंस करे ना, और कंप्लायंस ना करे अगर आपका, यस
यहाँ अगर पर कंप्लायंस नहीं करता है तो ये सारा आपका किसी भी दिन रात को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और वो फंड वहीं का वहीं रहेगा। तो समझदारी तो यही है, अगर फंड बिल्कुल है तो या तो दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जिस पे आपका नाम नहीं है के अंदर फिलहाल के लिए कर लीजिए। तो तीन ऑप्शन आपने बताए हैं। पहला आपने कि भैया हार्डवेयर वॉलेट है या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जिनका नाम नहीं है उन पे कर सकते हो टेम्परेरी, और तीसरी चीज आप यहाँ कर सकते हो इंडियन एक्सचेंजेस पे। यही चीज राहुल जी, और कुछ आप यस। ऐड करना चाहोगे या हमें आपको लगता है कुछ करना चाहिए इसके अंदर? मैं पंकज जी, हमने मोर और लेस सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए जरूरी थे जानने। और रही बात अब यही, ये जो आप बता रहे हो टैक्सेस का जो अभी नहीं भरे हैं और बाइनेंस से अब इंडियन एक्सचेंजेस पे ले जा रहे हैं, उनको टैक्स तो भरना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो राहुल जी आपकी मदद कर सकते हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और क्रिप्टो पे वो टैक्स से रिलेटेड एजुकेशन देते रहते हैं। उनको भी जो है आप फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन या टैक्स रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है आप राहुल जी को अप्रोच कर सकते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी मोटा मोटा दो ही चीजें यहाँ पर डरा रही है कि जो अपना टैक्स को लेके, खासकर कि इंडियन एक्सचेंजेस पे ले जाएंगे या टैक्स के लिए हमारे को स्क्रूटनी होगी, तो 10 रुपए की कमाई हो या 10 लाख की हो देना 30% टैक्स पड़ेगा, और यहाँ पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। शायद इसलिए छोटे टिकट वाले लोग थे वो, जो जो 100, 200, 500, 1000 डॉलर वाले, 10-20 हजार रुपए के ट्रेड करने वाले, वो ऑफशोर एक्सचेंजेस इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे वहाँ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इन सरदर्दी में ना पड़े। तो सबसे ज्यादा मुसीबतें मुश्किलें उनके लिए होने वाली हैं। बाकी ऑप्शन आपको बताई, क्रिप्टो करेंसी का पर्सनली फ्यूचर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी चीजें हर जगह हो रही हैं, सिर्फ इंडिया की बात ना करो। यहाँ पर यूके की बात करें वो भी कहता है कि हमारे वहां कंप्लाइंट करो, अभी हमने बात करी जापान की वो भी कहता है, यूएसए की बात करें वो भी कह रहा है कंप्लाइंस करो। तो एक कंप्लायंस करना कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ नई चीज है, हमें नया इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीजों से बचना चाहते हैं या हम कुछ छुपाना चाहते हैं। अगर नहीं छुपाओगे तो ओवरऑल हमेशा आप टेंशन फ्री रहोगे। तो ये सारी चीजें आप करिए। बाकी राहुल जी थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा और आइडिया दिया इस चीज का, और बाकी कुछ होगा आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे राहुल जी से दोबारा संपर्क करने की। इसके लिए अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।